सॉफ्टवेयर बनाने निकलोगे तो कौन सा लाइब्रेरी ले, कौन सा पैकेज लगाएं अपने प्रोजेक्ट में, बहुत मुश्किल से सोचना है। कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा वो अच्छा है, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, और इस चक्कर में प्रोजेक्ट कम बनता है, लाइब्रेरी ज्यादा ट्राई करते रह जाते हैं। तो कैसे चुने सही लाइब्रेरी, देखते हैं इन 10 टिप्स के साथ। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है नंबर 1 की पर्पस समझो लाइब्रेरी का। आखिर मुझे ये लाइब्रेरी चाहिए क्यों, ये लाइब्रेरी क्या करनी चाहिए। लाइब्रेरी के पेज पे मत जाओ, पहले अपने रिक्वायरमेंट्स एक जगह नोट डाउन करो कि आखिर मुझे ये क्यों चाहिए। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है कि लाइब्रेरी कितनी पॉपुलर है। पॉपुलर होगी लाइब्रेरी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, वेल मेंटेन रहेगी। तो लाइब्रेरी की पॉपुलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉपुलैरिटी जो है एक लाइब्रेरी की, वो दो धारी तलवार है। जरूरी नहीं है कि जो सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी हो वही चुनो। कई बार पॉपुलर लाइब्रेरी हर तरह के लोगों को केटर करने के चक्कर में वो अपना एज लूज कर जाती है, परफॉर्मेंस लूज कर जाती है, या जो API वो बहुत ब्लोट हो जाता है। तो कभी कभी इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है कि पहली चीज है रिक्वायरमेंट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट को एक थोड़ी कम पॉपुलर लाइब्रेरी भी, अब पॉपुलर भी सबसे पॉपुलर जरूरी नहीं है, पॉपुलैरिटी की रैंकिंग हो रही है 1, 2, 3, 4, तो जरूरी नहीं कि आप 1 ही चुनो, आप 2 भी चूज करो चलेगा, आप 3 भी चूज करो चलेगा, आप 4 भी चूज करो चलेगा। ऐसी लाइब्रेरी बस मत चूज करना जिसमें एकदम भी किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो थोड़ा पॉपुलर हो तो भी चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी ही चुनो, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी कई बार काफी ब्लोट हो चुकी होती है और आपके रिक्वायरमेंट थोड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉपुलैरिटी को मैच करो और उसके बाद ही डिसीजन लो। तीसरी चीज है डॉक्यूमेंटेशन। देखो, अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा तो जो आपको चाहिए, मान लीजिए आपने बोला मुझे एक्स Y, Z ये 3 रिक्वायरमेंट है, और ये 3 रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी फुलफिल तो कर रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे, कहां से, कौन सी API फुलफिल कर रही है, तो आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन वेल मेंटेन्ड, बढ़िया से स्ट्रक्चर, डिटेल्ड होना बहुत जरूरी है। देखो, डॉक्यूमेंटेशन का एक और फायदा होता है, तुम तो बहुत सारा टाइम स्पेंड करोगे लाइब्रेरी को समझोगे, तुमने एकदम शुरुआत से सब कुछ सोचा है, अच्छे से समझा है, बढ़िया से, लेकिन कल को तुम्हारे टीममेट्स भी तो आएंगे और टीममेट्स भी इस लाइब्रेरी को यूज करेंगे, उससे इंटरफेस करेंगे, तो क्या होगा। तुम अगर अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन मान लो सोर्स कोड पढ़ के निकाल भी लो, तो भी तुम्हारे टीममेट्स तो हर बार सोर्स कोड में नहीं घुसेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। तुम्हें उस टाइम के बारे में भी सोचना है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी सोचना है, नहीं तो वो फिर लेकर आ जाएंगे कि तने देखो ये नहीं हो रहा है हमसे, तुमने ये क्या लाइब्रेरी लगा दी है, इसका तो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, हम कैसे करें। तो इन समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छा हो, उसमें थोड़े बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स भी हों, APIs भी सही से डॉक्यूमेंटेड हो, ताकि कल को जब आपका टीम मेंबर भी, आपने इस लाइब्रेरी को इंप्लीमेंट किया, अपने पैकेज को इंप्लीमेंट किया, इस प्रोजेक्ट में डाला, तो जब वो यूज कर रहे हैं इन लाइब्रेरीज को, जब वो इंटरैक्ट कर रहे हैं इन API से, तो उन्हें बार बार आपके पास आने की जरूरत ना पड़े, वो डॉक्यूमेंटेशन से देखकर अपना काम चला ले। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइब्रेरी या पैकेज सोचते समय, वो है उसकी कम्युनिटी। जितने ज्यादा लोग और जितने एक्टिव लोग फोरम में होंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर पे होंगे, ग्रुप्स पे होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं एक एक लाइब्रेरी के लिए, कितनी एक्टिविटी हो रही है वो भी आप देखिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप कहीं अटक रहे हो, कोई प्रॉब्लम में फंस रहे हो, तो कुछ लाइब्रेरी के एक्सपर्ट्स आपको बता देंगे, अरे ये समस्या तो मुझे भी आई थी, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसलिए कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक सेकंड रुको, इसके पहले कि बाकी के पॉइंट्स बताऊं, क्या तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया, तुम्हें मजा आ रहा है, क्या तुमने लाइक किया, और अगर तुम सब्सक्राइब और लाइक कर दिया है तो आगे देखो। पांचवी चीज, आमतौर पर यह समस्या नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार लाइसेंस देख लेना जरूरी है कि आप जिस तरह से उसको यूज करना चाह रहे हो उस प्रोजेक्ट में, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, उसमें क्या ये लाइसेंस सही काम करता है। अगर MIT का लाइसेंस है तो हमेशा सही रहता है, बाकी सब लाइसेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना चाहिए। छठी चीज जो हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, वो है डिपेंडेंसीज। देखो, एक लाइब्रेरी स्वतः सारा कोड खुद तो लेकर चलती नहीं है, उसकी भी डिपेंडेंसीज होती है दूसरी लाइब्रेरी पे, तो ये जरूरी है कि जो उसकी डिपेंडेंसीज हैं वो भी वेल मेंटेन्ड हो, वो भी बढ़िया चल रही हो। और इतना ही नहीं, जो डिपेंडेंसी है वो बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी डिपेंडेंसी होंगी तो बहुत सारा ब्लोट आ जाएगा आपके कोड में, वो आपको नहीं चाहिए। इसी बात से सातवां नंबर देखते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना। कोई लाइब्रेरी आपके सारे रिक्वायरमेंट्स तो चेक कर ले रही है, लेकिन वो कितनी भारी है, यूजर को कितना पेनाल्टी देना पड़ रहा है, आपके सिस्टम पे सर्वर पे कितना जोर पड़ रहा है, वो परफॉर्मेंस भी चेक कर लेना बहुत जरूरी है, कितना टाइम लग रहा है। तो परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर बाकी सब चीजें सही भी हैं तो परफॉर्मेंस जरूर से इवैल्यूएट कर लेना। देखो, परफॉर्मेंस कंसिडर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परफॉर्मेंस की पेनाल्टी
आपका यूजर भरता है, या तो उसे एक रिक्वेस्ट में देर लेट हो जाती है, या उसे ज्यादा डाउनलोड करना पड़ता है, ज्यादा बड़ा पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यूजर जब पेनाल्टी भरेगा तो वो क्या होगा, वो आपसे गुस्सा हो जाएगा। आपको अपनी यूजर एम्पैथी हाई रखनी है। यूजर को क्या चाहिए? फास्ट। यूजर को चाहिए फास्ट। तो फास्ट जो लाइब्रेरी आपको कर सके, आपके ऐप को कर सके, उस पर जरूर से ध्यान देना। एक बार और रुको यार, तुम अभी कौन सा लाइब्रेरी इवैल्यूएट कर रहे हो, ये जाते जाते मुझे कमेंट में बताते चले जाना। आठवीं चीज है वर्जनिंग चेक करने के लिए। कुछ लाइब्रेरीज अपना वर्जन मेंटेन नहीं करती हैं, या कुछ लाइब्रेरीज बहुत सालों से, महीनों से अपडेट नहीं हुई हैं। पॉपुलर भी हैं, ये भी हैं, लेकिन वर्जनिंग सही से नहीं हो रही है। ऐसी लाइब्रेरी में मत जाना जहां आप आउटडेटेड लाइब्रेरी में फंस जाओ। जो रेगुलर अपडेट हो रही है, जिसके रेगुलर पैचेस जा रहे हैं, जिसके नए वर्जन आ रहे हैं, उसी लाइब्रेरी पे अपना बेट लेना। नाइन्थ है टेस्ट द लाइब्रेरी। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सब कुछ भी सही लग रहा है तो सीधे से लाइब्रेरी को उठाकर अपने प्रोडक्शन कोड में मत डाल दो। एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं, POC करो उस लाइब्रेरी के साथ, उससे थोड़ा खेलो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, देखो कि वो सारे फीचर्स जो तुम यूज करना चाह रहे हो वो यूज हो भी पा रहे हैं कि नहीं। वो POC करके अच्छे से टेस्ट करके तभी उससे प्रोडक्शन में डालो, क्योंकि प्रोडक्शन में डालोगे कुछ गिर जाएगा, फट जाएगा, सही से यूज नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। ये जो टाइम स्पेंड करोगे टेस्टिंग करने में उसको, उस टाइम से तुम्हारा डेवलपमेंट टाइम ऑलरेडी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन सपोर्ट टाइम ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो ये टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, काम आएगा, इसलिए ये 9th नंबर पे। 10वीं चीज है कि थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोच लेना भी जरूरी है। देखो आज जो तुम लाइब्रेरी उठा रहे हो, क्या लाइब्रेरी के डिजाइन प्रिंसिपल्स आपके डिजाइन प्रिंसिपल से मिलते हैं? क्या आज उस फ्रेमवर्क को जो सपोर्ट कर रहा है, कल भी उस फ्रेमवर्क को सपोर्ट करेगा ऑथर? अगर लग रहा है कि नहीं, अभी ऑथर बोल रहा है कि नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी लाइब्रेरी रिएक्ट को ना सपोर्ट करे, या मेरी लाइब्रेरी टाइपस्क्रिप्ट को ना सपोर्ट करे, अगर उसके ऐसे थॉट्स है और आप एक थ्रू एंड थ्रू रिएक्ट शॉप हो, टाइपस्क्रिप्ट शॉप हो, तो बहुत मुश्किल है। तब आप उस तरफ में, उस लाइब्रेरी में मत जाओ जहां फ्यूचर डायरेक्शन में वो आपसे अलग हो जाए। तो थोड़ा सा इन चीजों को भी सोच लेना, समझ लेना, फायदेमंद होता है लाइब्रेरी चूज करते समय। और अगर आप इन 10 चीजों का केयर करते हो, और अगर आप 3-4 लाइब्रेरी इवैल्यूएट कर रहे हो इनको 10 पॉइंट्स में, तो जब आप अपना डिस्कशन, अपना डिजाइन लोगों को दिखाओगे, तो लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे, अरे वाह कितना डीप सोचा है इस इंसान ने, एक एक चीज के लिए, एक एक आइटम के लिए। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, और अगली बार जब लाइब्रेरी इवैल्यूएट कर रहे हो तो इनमें से एक पॉइंट भी मत भूलना।